नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी संकारक के आइगेन फलन और आइगेन मान के बारे में। तो सबसे पहले हम आइगेन फलन और आइगेन मान क्या होता है उसको समझाते हैं कि जैसे कोई संकारक, यहाँ पे जो संकारक दे रखा है वो दे रखा है एक एफ। कोई संकारक जब किसी भौतिक निकाय के फलन साई के ऊपर ऑपरेट होता है, लागू करते हैं एक एप को फलन साई के ऊपर, तो वही फलन हमें वापस मिल जाए किसी नियतांक ए के गुणनफल के साथ में, तो फलन साई, भौतिक निकाय का फलन साई संकारक एकेप का क्या कहलाता है? आइगेन फलन कहलाता है। क्या होना चाहिए? कोई संकारक यदि किसी फलन पर हम लागू करें तो वही फलन किसी नियतांक के गुणनफल के साथ में हमें वापस मिलता है, तो वह फलन उस संकारक, जैसे यहाँ पे एकेप है तो एकेप का आइगेन फलन क्या होगा? साई, क्योंकि यही फलन हमें वापस मिल रहा है किसी नियतांक के गुणनफल के साथ में जब हम संकारक एकेप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो नियतांक एक आया है फलन साई के गुणनफल में संकारक को लागू करने पर, यह नियतांक आइगेन मान कहलाता है इस संकारक एकेप का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको एक बार वापस पुनः रिपीट कर देते हैं कि आइगेन फलन और आइगेन मान किसी संकारक के क्या होते हैं। संकारक को जब किसी फलन पर हम संक्रिया करवाते हैं संकारक की, तो संक्रिया के बाद यदि वही फलन किसी नियतांक के गुणन के साथ प्राप्त होता है, तो वह फलन उस संकारक का आइगेन फलन कहलाता है। और जो नियतांक साथ में गुणनफल फलन के साथ में आता है नियतांक, वह उस संकारक का आइगेन मान कहलाता है। अब आगे बात करते हैं डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। अब कई बार क्या होता है कि एक संकारक को हम कई फलनों के ऊपर जब लागू करते हैं, जैसे साई वन पे संकारक एक एप को लागू किया, इसी तरीके से साई टू पे संकारक एक एप को लागू किया, तो यहाँ पे आइगेन मान एक ही प्राप्त हो, जैसे यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी यही प्राप्त हुआ है और नीचे वाले इक्वेशन में भी यही प्राप्त हो, ऊपर वाले में भी आइगेन मान ए ही प्राप्त हुआ है और नीचे वाले में भी ए ही प्राप्त हुआ है, जबकि यहाँ पे फलन साई वन है और यहाँ पे फलन साई टू है, तो किसी संकारक को जब हम अलग अलग तरंग फलनों पर लागू करें और हमें रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त हो, एक ही आइगेन मान प्राप्त हो, तो ऐसे तरंग फलन अपभ्रष्ट तरंग फलन कहलाते हैं। इसके साथ ही जैसे यहाँ पे तीन तरंग फलन है, तीनों पे एक ही संकारक हमने लागू किया और साथ ही तीनों ही स्थितियों में एक ही आइगेन मान ए ए ए हमें मिलता है, तो हम बोलेंगे कि इस स्थिति में ये जो आइगेन मान है ए, उसकी अपभ्रष्टता कितनी होगी? तीन, क्योंकि इस एक आइगेन मान के लिए यहाँ पे कितने तरंग फलन संभव हैं इस संकारक के? तीन तरंग फलन संभव हैं, तो इस संकारक की इस केस में अपभ्रष्टता कितनी होगी? तीन होगी, तो इसे अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। इसको और अधिक डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम तरंग फलनों का प्रसामान्यीकरण तथा लाम्बिकता की शर्तें। प्रसामान्यीकरण
को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, और लाम्बिकता जो होती है उसको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं तरंग फलन का परसामान्यीकरण। यह जो भौतिक कण है उसके अस्तित्व से रिलेटेड यहाँ पे परसामान्यीकरण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की। प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और भौतिकी में PRT ये जो फंक्शन होता है, PRT ये डिनोट करता है किसी अल्पांश आयतन एकांक आयतन में किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को दिखाता है। PRT ये जो फंक्शन है किसी समय टी पर अल्पांश आयतन एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को दिखाता है। तो PRT को लिखते हैं वो बराबर होता है जो वेव फंक्शन होता है, तरंग फलन होता है, उसके स्क्वायर के रूप में, उसके स्क्वायर के रूप में। तो प्रायिकता जो होती है वो तरंग फलन का स्क्वायर होती है। फिर आगे बात करते हैं, प्रायिकता की बात हो गई। प्रायिकता के बाद हम बात करेंगे कि अल्पांश आयतन dv में कण के पाए जाने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमें पता है कि एकांक आयतन में पाए जाने की प्रायिकता PR है, T है, तो dv आयतन में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो PRT को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, dv से। तो यहाँ से पे dv से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें पता है कि प्रायिकता जो तरंग फलन होता है उसके स्क्वायर के बराबर होती है, तो प्रायिकता को रिप्लेस कर दिया तरंग फलन के स्क्वायर से। अगले स्टेप में भाई यहाँ पे PRT dv किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो कण संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट संपूर्ण आकाश के लिए इंटीग्रल कर दें तो कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वन। वन का मतलब है कण संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं तो है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो प्रायिकता उस स्थिति में हो जाएगी वन। तो जो इक्वेशन 3.16 है उसका हम संपूर्ण आकाश के लिए इंटीग्रल कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। अब आगे जैसे ये वेव फंक्शन का स्क्वायर है, तरंग फलन या वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सम्मिश्र संख्या होती है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे देखें किसी भी सम्मिश्र संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू, जैसे जेड यहाँ पे सम्मिश्र संख्या है और इसका स्क्वायर यदि अपन लिखें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो बराबर होती है सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जेड सम्मिश्र संख्या। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये जो इक्वेशन आई है वह परसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है, और यह कण के संपूर्ण आकाश में होने की का प्रतिबंध है। फिर तरंग फलनों की लंब कोणीयता की बात करें तो ये भी बहुत आसान सा है कि दो तरंग फलन जैसे यहाँ पे ψn और ψm है, उनकी लंब कोणीयता की जो प्रतिबंध है वो इस वाले रिलेशन से दिया जाता है, ψn का स्टार, ψm और dv। तो दोनों का, ये दोनों फलनों के गुणन का यदि हम आयतन समाकलन लें और वो जीरो के बराबर आता है, dv यहाँ पे आयतन समाकलन को दिखाता है, तो संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन लें तो और इसकी वैल्यू जीरो आए तो यह डिनोट करता है दोनों फलनों की लाम्बिकता को, कि ये दोनों फलन है वो एक दूसरे के लंबवत है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।